रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के संजय वन में, जहाँ पे अभी हम मिले हैं शिवानंद दीक्षित जी से। शिवानंद दीक्षित जी जो कि एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। शिवानंद जी, जो ये बांसुरी बजाना आपने सीखा है, कहाँ से सीखा? मैं जब वाराणसी में क्लास 10th में था तब से इसका अनुसरण किया और तब से अपने आप ही बजाते रहा। कभी स्वर उल्टे पड़े, कहीं सीधे आए, सीधे को कलेक्ट करते रहे, जान उसको कलेक्शन किया और बजाना सीखा। कितना समय लगा आपको ये सीखने में? मैं उन दिनों थोड़ा सा कम शौक था, लेकिन अभी 4 साल से बहुत ज़्यादा शौक हो गया और मैं क्लासिकल को भी सीख रहा हूँ। और गंधर्व में मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन वो क्लोज हो गया अभी कोरोना के दौरान। क्लासिकल भी मैं सीख रहा था। तो ये आपका शौक है या प्रोफेशन है? ये हमारा शौक है और हमारा बिजनेस कुछ और है, मोबाइल का है। तो बांसुरी आपको क्यों अच्छा लगता है बजाना? मैं जब कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है तो इसको लाइक करता हूँ। और मैं समझता हूँ योगा भी अगर आप ना करें तो इसकी जो ब्रीथिंग है, बहुत सधी हुई ब्रीथिंग होती है, उसके कारण आप कई ऐसे अनचाहे रोगों से भी मुक्ति पा जाते हैं। जैसे डिप्रेशन इसका सबसे बड़ा है कि आप डिप्रेशन में, कितने भी डिप्रेशन में हों, इसको आप 10 मिनट भी बजा लेंगे, आप एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा। आगे आपका क्या इसमें सोच है? इसमें सिर्फ शौक ही हमारा, मैं क्लासिकल को भी सीख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जब मैं सीख जाऊँ तो मैं प्रोफेशनल नहीं बनूँगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा बजाना चाहता हूँ, जो कि अपने आप में मैं बहुत खुश होना चाहता हूँ इससे। अभी भी खुश हूँ, लेकिन और भी खुश होना चाहता हूँ। अभी आप एक धुन बजा रहे थे, एक प्यार का नगमा है, वो हमारे दर्शकों को भी सुनाएं प्लीज़। Oh,
बहुत खूब। हम अपने व्यवसाय के साथ यदि इस तरह की एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, जैसा दीक्षित जी ने कहा कि इससे तनाव तो कम होता ही है, दूसरा एक मनोरंजन का अच्छा साधन है। कैमरा पर्सन सुमित्रा के साथ VP शर्मा, INS News। थैंक यू।